पटना में बिहार पुलिस के द्वारा बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ उसके कार्यकर्ताओं पे जबरदस्त लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज भी इतना जबरदस्त कि पुलिस के पिटाई के वजह से बीजेपी के एक महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत जो है पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। अब पटना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी जैसे गांधी मैदान से निकल करके डाक बंगला चौराहे तक पहुंची, उसके बाद उस आंदोलनकारी में, उस प्रदर्शनकारी में, उस पूरी भूड़ी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बोरी में लाल मिर्च का पाउडर भर करके लाए थे और पुलिस को उस्काने के लिए लाल मिर्च के पाउडर को जो है पुलिस वालों के आंखों पे झोंकना शुरू कर दिए। तब मजबूरी बस पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए जो है जबरदस्त तरीके से लाठी चार्ज करना पड़ा। केवल लाठी चार्ज यूं नहीं हुआ, लाठी चार्ज के समय बिहार पुलिस और पटना पुलिस ने यह नहीं देखा कि हमारी लाठी जो है किसी आम आदमी को लग रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता को लग रही है, या बीजेपी के किसी बड़े मंत्री को लग रही है, या बीजेपी के सांसद और विधायक को लग रही है। उसके बाद जैसे ही बिहार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके आंखों पे मर्चा झोंका गया, मर्चा का पाउडर उनके शरीर पे छिड़का गया, उसके बाद पुलिस का गुस्सा फट जाता है और पुलिस एक तरह से डंडे और लाठी लेकर के जो है किसी के हाथ में प्लास्टिक वाला लाठी जो पुलिस को दिया गया था, किसी के हाथ में बेंत था, किसी के हाथ में, जिसके हाथ में जो कुछ भी था, पुलिस एकदम से बीजेपी समर्थित लोगों पे टूट पड़ी क्योंकि उनके आंखों पे मिर्च का पाउडर तक भी झोंक दिया गया था। उसके बाद पुलिस मारना शुरू करती है, पूरा भीड़ जो है अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू करता है। उसके बाद मामला सिर्फ इतना पे ही नहीं खत्म किया जाता, लगभग पिटाई इतनी जबरदस्त होती है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई राउंड फायरिंग भी की गई, तब उस पूरी भीड़ को जो है काबू किया गया। अब विजय कुमार सिंह जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, उनकी तो मौत हो गई। उनके मौत के बाद में अब सम्राट चौधरी को भी कुछ देर के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि कल का दिन हम लोग जो है काला दिन के रूप में मनाएंगे क्योंकि निरंकुश सरकार के निरंकुश पुलिसिया व्यवस्था ने हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन को बर्बाद कर दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को मारकर मौत की नींद भी सुला दिया। हालांकि अब तक तो इतना ही मैं बता रहा हूं, आगे जो कुछ भी नया अपडेट आएगा उसके बारे में आपको एक एक पल का अपडेट बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सच पूछिए, उस पूरी भीड़ के ऊपर जब पुलिस की डंडा चलने लगी थी तो दृश्य देख करके किसी का भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन मजबूरी जो थी पुलिस वालों की भी थी क्योंकि उस भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की मौजूदगी थी। जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जिस तरह की जानकारी मिली है, जो लोग पुलिस वालों पर मर्चा का पाउडर फेंकने लगे तब पुलिस वाले जो है उनको मारना शुरू कर दिया। बाकी कुछ तस्वीरें भी हमारे साथ था जिसे स्क्रीन पे मैं चला रहा था। पूरी वीडियो को देख करके जो कुछ भी विचार होगा बताइएगा जरूर। लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूँ, उससे पहले भी बिहार विधानसभा में प्रदर्शन को लेकर के इससे पहले भी एक बार भयानक बवाल हुआ था। उस समय नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की पार्टी जो थी बिहार में सरकार बना करके रखी थी, उस समय आरजेडी के कई नेताओं को भी चोटें आई थी। लेकिन ये नहीं हुआ था कि उस प्रदर्शनकारी में किसी की मौत हो गई। इस समय की यही दुखद घटना है कि बीजेपी के एक महामंत्री की मौत जो है पुलिस की पिटाई के वजह से हो गई है, जो जानकारी हमारे पास अब तक मिली है। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।